नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम MS Word का हाइपरलिंक नाम का ऑप्शन सीखने वाले हैं। हाइपरलिंक MS Word का एक ऐसा फीचर है जो MS Word की एक फाइल को किसी दूसरी फाइल से लिंक करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। हाइपरलिंक प्रैक्टिकली भी बहुत उपयोग का ऑप्शन है, साथ ही साथ हाइपरलिंक से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो MS Word में यदि आप MS Word की एक फाइल को किसी दूसरी फाइल से या MS Word की एक फाइल को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल से लिंक करना चाहते हो, तो आप हाइपरलिंक का यूज कर सकते हो। आपने इंटरनेट पर हाइपरलिंक का उपयोग जरूर किया होगा। इंटरनेट पर जब भी आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हो, किसी वेब पेज को ओपन करते हो, तो उसमें मल्टीपल हाइपरलिंक होती हैं। जब आप एक लिंक पर क्लिक करते हो तो आप किसी दूसरे पेज पर पहुंच जाते हो, दूसरे पेज में हाइपरलिंक होती हैं, आप हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो आप तीसरे पेज पर पहुंच जाते हैं। तो इंटरनेट पर जब भी कोई वेबसाइट बनती है, कोई भी वेब पेज बनता है, तो उसमें मल्टीपल हाइपरलिंक होती हैं, जो आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं। इसी प्रकार से MS Word भी आपको हाइपरलिंक क्रिएट करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। यदि आपने MS Word में कोई एक फाइल बनाई है, तो आप उस फाइल को किसी दूसरी फाइल से लिंक कर सकते हो, या फिर आप MS Word की किसी फाइल को Excel की फाइल से, PowerPoint की फाइल से, किसी वेब पेज से भी लिंक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम हाइपरलिंक को पहले इंट्रोडक्शन के रूप में समझेंगे, फिर हाइपरलिंक को MS Word में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। देखते हैं हाइपरलिंक का इंट्रोडक्शन क्या होता है। मल्टीपल फाइल्स को लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का उपयोग किया जाता है। यदि आपको मल्टीपल फाइल्स को आपस में लिंक करना है, ऐड करना है, तो आप हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। हाइपरलिंक के माध्यम से एक फाइल से डायरेक्ट दूसरी फाइल पर मूव किया जा सकता है। यदि आपने MS Word की एक फाइल ओपन करके रखी है और उसमें कोई हाइपरलिंक है, जैसे ही आप हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक किसी दूसरी फाइल पर ट्रांसफर हो जाएंगे। हाइपरलिंक एक ऐसा फीचर है जो एक फाइल से किसी दूसरी फाइल को लिंक करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। अभी हमने हाइपरलिंक का इंट्रोडक्शन समझा। जो हाइपरलिंक है वह हमें MS Word में इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। MS Word में 8 प्रकार के टैब होते हैं, तो जो हाइपरलिंक का नाम का ऑप्शन है वह आपको इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। और हाइपरलिंक को आप इसकी शॉर्टकट की से भी एक्सेस कर सकते हो। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। यदि आप हाइपरलिंक का यूज करना चाहते हैं MS Word में, तो आप इंसर्ट टैब का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हाइपरलिंक को शॉर्टकट की से एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप Ctrl+K का यूज भी कर सकते हैं। कोई भी हाइपरलिंक जब बनती है तो हाइपरलिंक की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। यह विशेषताएं आपने इंटरनेट पर भी वेबसाइट में देखी होंगी, और जब हम MS Word में भी हाइपरलिंक को क्रिएट करेंगे तो यह विशेषताएं, यह प्रॉपर्टी हमें देखने मिलेंगी। पहली विशेषता क्या होती है, हाइपरलिंक बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर से शो होती है। आप कहीं पर भी जब हाइपरलिंक को देखेंगे तो वह बाय डिफॉल्ट आपको ब्लू कलर से शो की जाती है। ब्लू कलर से शो हो रही है मतलब वह एक हाइपरलिंक है। आपका जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है वह जनरली ब्लैक कलर से शो किया जाता है, लेकिन जो हाइपरलिंक होती है वह हमेशा ब्लू कलर से शो होती है। हाइपरलिंक की दूसरी विशेषता, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हाइपरलिंक अंडरलाइन होती है। हाइपरलिंक जब भी आपको दिखाई जाएगी, जहां पर भी हाइपरलिंक बनी होगी, वह हमेशा अंडरलाइन भी होती है, यह उसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता होती है हाइपरलिंक की, हाइपरलिंक पर कर्सर को ओवर करने पर जिस टेक्स्ट पर, जिस इमेज पर, जिस वीडियो पर यदि हाइपरलिंक बनी होती है और आप अपने माउस के कर्सर को उस लिंक पर ले जाते हो, तो आपका जो कर्सर होता है वह फिंगर में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर ओवर करने का मतलब है हाइपरलिंक के ऊपर कर्सर को ले जाना। जब आप हाइपरलिंक के ऊपर अपने माउस के कर्सर को ले जाते हैं, तो जो माउस का कर्सर होता है, पॉइंटर होता है, वह फिंगर के आइकन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह हाइपरलिंक की तीन विशेषताएं होती हैं। हाइपरलिंक हमेशा बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर से शो होती है, हाइपरलिंक हमेशा अंडरलाइन होती है, और हाइपरलिंक पर जब आप कर्सर को ले जाते हैं, हाइपरलिंक पर जब कर्सर को ओवर करते हैं, तो आपका जो कर्सर है वह फिंगर में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर हमने एक डायग्राम के थ्रू भी हाइपरलिंक को समझा है। यह हमारी फाइल 1 है,
फाइल वन में हम किसी भी टेक्स्ट पर, किसी ऑब्जेक्ट पर एक हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे, और जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो कर्सर है वह सेकंड फाइल पर ट्रांसफर हो जाता है। तो हाइपरलिंक के द्वारा आप एक फाइल से डायरेक्ट दूसरी फाइल पर भी जा सकते हैं, दोनों फाइल के बीच में आपस में लिंकिंग कर सकते हैं। तो अभी हमने हाइपरलिंक को इंट्रोडक्शन के रूप में समझा, थ्योरिकली समझा, इसकी शॉर्टकट की को देखा। अब चलते हैं एमएस वर्ड के डायलॉग बॉक्स में और हाइपरलिंक को प्रैक्टिकली एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो यहां पर हमने एमएस वर्ड में एक फाइल को क्रिएट किया है, यह एक सैंपल फाइल है जिसमें हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए कुछ बेसिक टेक्स्ट को टाइप किया है। आप अपनी फाइल में जिस वर्ड पर, जिस ऑब्जेक्ट पर हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं, आप उस वर्ड को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी फाइल में इस डॉक्यूमेंट वर्ड पर हाइपरलिंक को क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैंने डॉक्यूमेंट वर्ड को सिलेक्ट किया। वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट टैब पर जाना है, यहां आपको लिंक सेक्शन में एक हाइपरलिंक नाम का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के, तो आप हाइपरलिंक को कंट्रोल के से भी एक्सेस कर सकते हो। आप जिस वर्ड पर लिंक क्रिएट करना चाहते हो उस वर्ड को सिलेक्ट करें, आपको इंसर्ट टैब में जाना है, यहां पर लिंक सेक्शन में आपको हाइपरलिंक नाम का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा, इस पर क्लिक करें। तो आप जैसे ही हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में हाइपरलिंक क्रिएट करने के कई ऑप्शन दिए जाते हैं। आप किसी एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज से लिंक कर सकते हो, आप किसी एक फोल्डर में रखी हुई फाइल से लिंकिंग कर सकते हो, आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाकर उससे लिंकिंग कर सकते हो, आप किसी ईमेल एड्रेस से भी लिंकिंग कर सकते हो। यहां पर आपको लुक इन में करंट फोल्डर दिखाया जाता है। करंट फोल्डर मतलब अभी आप जिस फोल्डर में हो। ब्राउज पेजेस पर जा सकते हैं आप, आपने जो भी पेजेस अभी तक यूज करे हैं, बनाए हैं, आप उनसे लिंकिंग कर सकते हैं। रीसेंट फाइल्स, आपने अभी जो रीसेंट फाइल्स यूज करी हैं अपने कंप्यूटर पर, आप उनसे भी लिंकिंग कर सकते हो। तो हमें जो लिंक क्रिएट करनी है वह डॉक्यूमेंट वर्ड पर करनी है। तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले में ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट वर्ड आ गया है, आपको यहां से इस ब्राउज फॉर फाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है। ब्राउज फॉर फाइल, ब्राउज फॉर फाइल का मतलब क्या है, हम जिस फाइल से लिंकिंग करना चाहते हैं उस फाइल को हमें सिलेक्ट करना है। तो हम ब्राउज फॉर फाइल पर क्लिक करेंगे। हमसे यहां पर पूछा जाता है कि हमें किस फाइल से लिंकिंग करनी है। तो हमें जो लिंकिंग करनी है वह हमें डेस्कटॉप पर, हमारा एक फोल्डर है एमएस वर्ड नाम से जिसमें हमारी एक फाइल है फाइंड नाम से, हमें इस फाइल से लिंकिंग करनी है। तो हमने इस फाइल को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारी जो फाइल लिंक की गई है उसका एड्रेस हमें नीचे एड्रेस बॉक्स में दिखाया जाएगा। हमारी जो फाइल रखी है वह सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर, इंटेक्स फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप पर एक वर्ड नाम का फोल्डर रखा है जिसमें फाइल हमारी फाइल है। तो अभी हम जो लिंकिंग कर रहे हैं वह अपनी फर्स्ट फाइल से एक सेकंड फाइल में कर रहे हैं। आपने अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लिया, देन आप यहां से ओके पर क्लिक करें। तो आपने जो डॉक्यूमेंट वर्ड सिलेक्ट किया था आप देख सकते हैं वह ब्लू कलर का हो गया है, मतलब उस पर हाइपरलिंक क्रिएट हो गई है, वह अंडरलाइन भी हो गया है, यह हाइपरलिंक की दूसरी विशेषता है। और यदि आप इस पर कर्सर को ले जाते हैं तो आपको ऊपर एक स्क्रीन टिप भी दिखाई जाती है। स्क्रीन टिप में आपको यह रिप्रेजेंट किया जाता है कि यह वर्ड किस फाइल से लिंक है। यदि आप इस हाइपरलिंक को यूज करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करना है और इस हाइपरलिंक पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं कंट्रोल की को प्रेस करने के बाद कर्सर को हाइपरलिंक पर लाता हूं तो मेरा जो कर्सर का पॉइंटर है वह फिंगर में कन्वर्ट हो जाता है। हमें कंट्रोल की के साथ इस हाइपरलिंक पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिक आप उस फाइल पर ट्रांसफर हो जाएंगे जिस फाइल से आपने लिंकिंग की है। तो हमने फर्स्ट फाइल से सेकंड फाइल में आने की लिंकिंग की थी। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने हाइपरलिंक पर क्लिक किया हम ऑटोमेटिक सेकंड फाइल पर ट्रांसफर होकर आ गए हैं। तो हाइपरलिंक एक ऐसा ऑप्शन है जो एक फाइल से दूसरी फाइल को लिंक करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। अभी हमने फर्स्ट फाइल से सेकंड फाइल को लिंक किया था, अब हम सेकंड फाइल में आ गए हैं। हम यदि सेकंड फाइल में भी लिंक बनाना चाहते हैं तो हमें जिस वर्ड पर लिंक क्रिएट करनी है उस वर्ड को हम सिलेक्ट करेंगे। देन आपको इंसर्ट टैब में जाना है,
यहां से हाइपरलिंक ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप हाइपरलिंक ऑप्शन को राइट क्लिक के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट में राइट क्लिक करें, यहां पर भी आपको हाइपरलिंक ऑप्शन प्रदान किया जाता है। अभी हम फाइंड नाम की फाइल में है, अब हमें जिस दूसरी फाइल से अपनी इस फाइल को लिंक करना है हम उस सेकंड फाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहां पर अब जो लिंकिंग करी है वह टेबल टू नाम की फाइल से करी है। देन आप यहां से ओके करें तो आप देख सकते हैं जो हमारा प्रोफेशनली वर्ड है उस पर भी एक हाइपरलिंक क्रिएट होकर आ गई है जो कि ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की जा रही है, अंडरलाइन है। यदि आप इस लिंक को एक्सेस करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ इस हाइपरलिंक पर क्लिक करें, आप ऑटोमेटिक उस फाइल पर ट्रांसफर हो जाएंगे जिस फाइल से आपने हाइपरलिंक क्रिएट की है। तो आप एमएस वर्ड में एक फाइल से दूसरी फाइल को लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। आप एमएस वर्ड की फाइल को किसी अदर सॉफ्टवेयर से भी लिंक कर सकते हैं। अभी हमने जो लिंकिंग देखी वह एमएस वर्ड की फाइल को दूसरी एमएस वर्ड की फाइल से लिंक करना देखा। अब हम एमएस वर्ड की फाइल को एक एमएस एक्सेल की फाइल से लिंक करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस दमो टेक्स्ट पर हाइपरलिंक क्रिएट करनी है, तो मैंने दमो शब्द को सिलेक्ट किया, फिर हम इंसर्ट टैब पर गए, यहां से हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। अब हमें जो लिंकिंग करनी है वह एक एक्सेल की फाइल से करनी है, तो हम ब्राउज फॉर फाइल पर क्लिक करेंगे। हमारी जो एक्सेल की फाइल है वह डेस्कटॉप पर रखी हुई है एक्सेल फोल्डर के अंदर। हम यहां से अपनी एक्सेल की फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो आप देख सकते हैं अब जो लिंक बनेगी वह एक्सेल की फाइल से बनेगी। आपको ओके करना है। यहाँ पर हमारा जो दमो वर्ड है उसमें हाइपरलिंक क्रिएट हो गई है क्योंकि ब्लू कलर से शो हो रहा है, अंडरलाइन हो गया है। आपको कंट्रोल के साथ इस दमो पर क्लिक करना है, आप ऑटोमेटिक एमएस एक्सेल की फाइल में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं एमएस वर्ड आपको एमएस वर्ड की ही दूसरी फाइल से लिंक करने की सुविधा देता है, साथ ही साथ अदर किसी सॉफ्टवेयर की फाइल से लिंक करने की सुविधा भी प्रदान करता है। तो आज की वीडियो में हमने हाइपरलिंक ऑप्शन को सीखा, आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।